ईटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। दूसरे चरण की मतगणना आज समाप्त हो जाएगी और कल से तीसरे चरण के मतदान का आगाज हो जाएगा, जिसको लेकर सभी प्रतिनिधि दमखम से लगे हुए हैं और जनता के पास जाके वोटों की अपील भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने गढ़ी विशनपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी लक्ष्मी देवी व प्रतिनिधि बिरजू कुमार से महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमें गांधी के बताए हुए कदमों पर चलना चाहिए, जिससे कि देश का विकास संभव हो पाएगा। तो क्या कुछ बातें उन्होंने जनता से कही, देखिए इस रिपोर्ट में। आज राष्ट्रपिता पूजनीय महात्मा गांधी जी की आज जयंती 152वीं जयंती है। उस उपलक्ष्य में डीटीवी भारत ने पंचायत चुनाव के मद्देनज़र एक गढ़ी बिशनपुर जो लखीसराय सदर प्रखंड के अंतर्गत आता है वहाँ का दौरा किया और हमारे साथ हैं गढ़ी बिशनपुर पंचायत के भावी प्रत्याशी। मैडम, डी टी वी भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी जी, देखिए ये हैं लक्ष्मी देवी जी, ये युवा महिला हैं और इस बार ताल ठोक के पूरी तरह से चुनावी समर में कूद चुकी हैं। उनके साथ उनके प्रतिनिधि हैं। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बिरजू कुमार हुआ, मुखिया प्रतिनिधि हुए हम। चलिए, ये मुखिया प्रतिनिधि हैं बिरजू कुमार जी, ये लक्ष्मी देवी जी हैं। मैडम ये बताइए कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती है, पूरा देश उनका जयंती मना रहा है। डी टी वी भारत जो बिहार और देश का बड़ा चैनल है, मैं भी सच्चे मन से डी टी वी के भारत की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हमें ये कहना है कि गांधी जी हमारे बापू से कहा जाता था, इस कारण से हम भी उसकी श्रद्धांजलि की ओर से स्थापित करता हूँ। और मुझे कहना है कि गांधी जी का जयंती ऑल इंडिया में मनाया जाता है और इस कारण से उसे वो हिंसा सत्य इस चीज़ के लिए वो लड़ा करते थे और कहते थे कि कभी भी किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए और सभी के साथ सत्य ही करना चाहिए, बुराइयों का सामना नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ करना है तो उसे आंदोलन के साथ लड़ करने से नहीं होता, सत्य की ओर ले करके ही कोई भी आंदोलन को लड़ा जा सकता है। मैडम ये बताइए आप कि पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है, आदर्श आचार संहिता बिहार में लागू हो चुका है, आप युवा महिला हैं और आप चुनावी समर में कूद चुकी हैं, आप जो पंचायत है गढ़ी बिशनपुर, वो इस पंचायत में कौन ऐसा कार्य नहीं हो सका वर्तमान मुखिया द्वारा जिसे आप जीतने पर पूरा करेंगी? हम तो जीतने पे हम सोचें कि अवश्य महिला सशक्तिकरण के कारण से अगर युवा पीढ़ी के साथ अगर कोई भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो हम उसके साथ सहयोग करेंगे। अगर मुझे कहना है जैसे महिला सशक्तिकरण कहीं भी देखिए दूर जगह में तो महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है, हम उसके अत्याचारों में उसके साथ लड़ेंगे। और ये हम किसी के साथ ये नहीं होने चाहिए कि महिला सशक्तिकरण के कारण से किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, हम उसके साथ पीछे क्या आगे फैमिली के थ्रू से मैं बहुत ही ये विश्वास हूँ कि मैं जीत सकती हूँ। चलिए, हमारे साथ हैं बिरजू कुमार जी, लक्ष्मी देवी जी जो मुखिया पद की प्रबल दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। बिरजू कुमार जी आप ये बताइए कि लक्ष्मी कुमार जी एक युवा महिला हैं, एक नया चेहरा है और वक्त का भी मांग है कि युवाओं को महिलाओं को बराबरी का दर्जा सरकार ने भी दिया है। आप जब लक्ष्मी देवी जी मुखिया पद पर विराजमान होंगी तो वो कौन ऐसा कार्य करेंगी जिसे वो अब तक पूरा नहीं हो सका गढ़ी बिशनपुर पंचायत में? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, आगे कौन क्या किया ये तो हम नहीं कह सकते हैं, पर हमको अगर जनता चुनेगी, अगर जनता हमको मौका देगी विकास करने के लिए, तो जितने भी अधूरा काम होगा, गली हो, नली हो, जल नल, या वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो, या शौचालय हो, या जितने प्रकार का सरकारी फंड है पब्लिक के लिए, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। ये बताइए बिरजू कुमार जी कि गढ़ी बिशनपुर पंचायत में एक आप हम एक मतदाता की हैसियत से आपसे पूछ रहे हैं, आप एक मतदाता हैं, बाद में आप प्रतिनिधि हैं, तो आप एक मतदाता की हैसियत से बताइए कि क्या गढ़ी बिशनपुर पंचायत की एक नीचे स्तर की जनता को जो पिछले सबसे अंतिम पायदान पर हैं, क्या उनको सरकारी लाभ मिला?
अभी तक तो हमरे ख्याल से नहीं मिला है, लेकिन अगर हम आएंगे, अगर हम मुखिया बनेंगे तो हम उसको जरूर पूरा करेंगे। अच्छा ये बताइए, अंत में हम सवाल करते हैं आपसे कि आप लक्ष्मी देवी जी के जीत के प्रति कितना प्रतिशत आश्वस्त हैं? 100 में 100% हमारी जीत है, 100 में 100%। गढ़ी बिशनपुर की जनता तय कर लिया है कि इस बार हम आपको जीत दिलवा के रहेंगे। लक्ष्मी देवी के चुनाव जीतने के बाद, मुखिया पद का सेहरा पहनने के बाद, क्या गढ़ी बिशनपुर में विकास का नया रूपरेखा तैयार होगा, नया रोड मैप तैयार होगा, ऐसा उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होगा, जहाँ तक हो सकेगा हर संभव हम प्रयास करेंगे कि जितना भी विकास का कार्य अधूरा है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए गढ़ी बिशनपुर पंचायत की मुखिया पद की प्रबल दावेदार लक्ष्मी देवी और उनके प्रतिनिधि बिरजू कुमार का साफ तौर पर मानना है कि वे अपने जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं, आशान्वित हैं, उन्हें जनता का पूरा सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है और जनता के सहयोग के बदौलत वह भारी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे और मुखिया के पद पर विराजमान होंगे।